गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आज मैं जैसे मॉर्निंग में उठी हूँ तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत ही मुझे ये बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आया और मेरा मन भी ललचा रहा है कि मैं बाहर मॉर्निंग वॉक करने जाऊँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं रेगुलरली मॉर्निंग वॉक करती आई हूँ, पर बीच बीच में सर्दी के कारण छूट जाती है। तो आज एक बार फिर से रिवाइव करती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक्स और आपको भी लिए चलती हूँ अपने साथ। सो ऑल यू नीड इज़ अ गुड पेयर ऑफ शूज एंड थोड़ी सी अंदर मन में एक एनर्जी और दैट्स ऑल, और थोड़े से गर्म कपड़े पहन ले ताकि सर्दी ना लगे। सो लेट्स सी यू आउटसाइड। हाँ, और एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है वो है स्टिक, क्योंकि अगर कहीं बाहर मंकीज मिल गए तो हालत ख़राब हो जाती है। अब आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट माई स्टिक। यस, हियर इट इज़। तो देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है जो आपकी मॉर्निंग वॉक में आपके साथ रहना चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल स्टिक विच आई हैव विद मी। इस तरह से ये खुलती है, ओहो पूरी खुल गई, और ये एक्सटेंड हो जाती है। तो कभी कभी जब बंदर हम पर प्रहार करते हैं तो इसको ऐसे घुमाना पड़ता है और फिर वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। सो लेट्स गो, कम ऑन। फ्रेंड्स, दिस इज़ माई होम एंड नाउ आई एम आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑन माई वे फॉर अ ब्यूटिफुल वॉक। मॉर्निंग वॉक का एक ये फ़ायदा रहता है कि व्हीकल्स कम होती हैं। जैसे अभी शुरू हो गई हैं गाड़ियाँ सड़कों पर फिर भी उतनी नहीं जितनी दिन को या शाम को होती हैं। सो यू रियली कैन वॉक फ्रीली एंड विदाउट एनी स्ट्रेस। एंड दीज आर दी शॉप्स अराउंड, यू कैन सी इन कसुमटी मार्केट एंड दिस इज द लक्ष्मी नारायण टेम्पल। देखिए कितना अच्छा रास्ता है। गाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ चलने में। कई बार क्या होता है कि खुद को मोटिवेट करते करते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आई मे टेल यू कि मैं जितना अपने से मोटिवेट होती हूँ किसी और से नहीं होती। सो लाइफ में ऐसा ही होनी चाहिए कि जब अंदर से खुद से किसी भी चीज़ की कुछ भी करने की मोटिवेशन आए तो उसे करें। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, इजंट दिस ब्यूटीफुल? सो ब्यूटीफुल। कई बार हम क्या करते हैं, घर में नींद तो खुल जाती है, बेड में बस अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं और कभी फेसबुक देखते हैं, कभी कोई और चैनल, कभी यूट्यूब। सो वी जस्ट कीप वेस्टिंग आर टाइम। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी देखें, पर जीवन के जो कुछ ही ऐसे पल होते हैं जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं उनको भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम कसुमटी यहाँ पर पहुँच कर, ये राष्ट्रीय विद्या केंद्र स्कूल है। नीचे वाला रोड है वो पंथा घाटी की तरफ गया और हम ये ऊपर वाले रोड में आ गए हैं। ये जा रहा है परी महल की ओर। और यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है परी महल शिमला में। और इसके अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, इसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। अब कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है और जो उसकी लालिमा है वो चारों ओर बिखर चुकी है। इफ़ यू आर एबल टू वॉच दिस ब्यूटीफुल व्यू।
और अब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं बाहर नहीं आती तो इस समय फजूल में घर में या तो टाइम वेस्ट कर रही होती, और फिर कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है और कर नहीं पाते। तो उसका रीज़न ये होता है कि वी आर लेज़ी, वी आर लेथार्जिक। तो कहते हैं ना कि ना करने के तो 100 बहाने हैं, पर अगर कुछ करना हो तो सिर्फ एक हाँ ही काफ़ी है। सो दैट्स द ट्रूथ। सो हियर कम्स द मंकी जिसके बारे में बात हो रही थी, पर क्योंकि मेरे हाथ में स्टिक है इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा, स्टिक नहीं होती तो अभी मुझे यहाँ से भागना पड़ता। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं अब सनराइज हो गया है, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि सनराइज के साथ साथ यू आर देयर टू वेलकम द ब्यूटिफुल सन। आई होप यू हैड अ नाइस टाइम विद मी। कैसी रही आज की मॉर्निंग वॉक मुझे जरूर बताना। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन, बाय।